नमस्ते जी हेलो कैसे हैं आप लोग मैं हूं रेनोरा आज आप आया है गूगल किचन में और आज गूगल किचन में बनने वाला है बड़े से केक बार के साथ चॉकलेट बार के साथ बड़ा सा वन केजी का केक और ये वन के जी का केक मैंने बनाया है आठ इंच वाले केक टिन में और प्रिमिक्स मैंने यूज किया है दो कप और ये चॉकलेट प्रिमिक्स बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको चॉकलेट प्रिमिक्स घर पे बनाना है तो कैसे बनाना है उसकी रेसिपी हमारी चैनल पर है आप रेड वेलबेट का प्रिमिक्स बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल आप वनीला प्रिमिक्स बना सकते हैं मार्केट स्टाइल आप चॉकलेट प्रमिक्स भी बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल तो आप जाइए गूगल के जर पर सर्च करिए और वहाँ पे आपको सारे प्रमिक्स की मिल जाएगी रेसिपी आप मतलब घर पे बना के आप स्टोर करिए महीने दिन तक दो महीने दिन तक दो महीने दिन तक हाँ हाँ बिल्कुल दो महीने दिन तक और आप बढ़िया से जैसी मैं बनाती हूँ ना वैसी वाली एकदम डार्क आपके चॉकलेट वाले स्पॉन्ज हो जाएगी रेडी और मैंने इसमें डाल दिया है गना स्क्रीम में क्रीम परफेक्ट कैसी बनानी है मैंने उसके तीन तीन वीडियोस अपलोड किए हैं गर्मी में आपको विप क्रीम कैसे बनानी है सर्दियों में आपको विप क्रीम कैसे बनानी है और नॉर्मल मौसम रहता है जैसे बारिश में तो आपको क्या सावधानी बरतनी है ये सारी चीजें क्योंकि आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि दीदी आपकी क्रीम इतनी अच्छी क्यों बनती है आपकी क्रीम इतनी स्टेबल क्यों रहती है तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सिर्फ गूगल किचन विप क्रीम सर्च करिए वहां भी मिल जाएगा या फिर प्ले में जाके भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने सुगर सिरप जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ तो शुगर सिरप या तो चीनी पानी का होता है या फिर पानी और ग्लूकोज का होता है बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग है जो नॉर्मल वाली अपनी ग्लूकोज आती है हरे पैकेट में ना आप वो डालिएगा आप टेस्ट करिएगा जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आप एक बार ट्राई करिए सिरप के लिए मगर मतलब सोकिंग के लिए ठीक है फिर मैंने क्रीम में गनाज डाली है और अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ आज कुछ ज्यादा ही सबको सफेद सफेद नहीं दिख रहा है मतलब जो जो हमने क्रीम बनाई वो भी सफेद दिख रहा है हमने गनाज डाली है फिर भी कोई बात नहीं हम इसको कर देते हैं चॉकलेटी और इसके ऊपर डाल देते हैं ढेर सारा ऐसा अपना चॉकलेट गनाज ठीक है और गनास आप लोग बोलते हैं दीदी आपकी गनाश इतनी शाइनी क्यों होती है हमारी आपने उसमें न्यूट्रल जेल डाला है क्या कभी भी शाइन के लिए न्यूट्रल जेल आपको यूज नहीं करना है ना ही बटर यूज करना है नॉर्मल मैं व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाती हूँ और बहुत सारी वीडियो में मैं दिखाती भी रहती हूँ कि कैसे बनाना है दो सौ ग्राम आपको लेना है डार्क कंपाउंड किसी भी कंपनी का ले लीजिए मैं मॉडी का यूज करती हूँ उसमें हंड्रेड एम एल आपको व्हिपिंग क्रीम डाल देना है एकदम पिघली हुई और फिर दोनों को एक साथ गर्म कर देना है और आपकी ऐसी शाइनी बिना न्यूट्रल जेल की इतनी शाइनी आपकी गनाश हो जाएगी रेडी तो तीनों लेयर मैंने स्टेप बाय स्टेप लगा दिया पहले बेस फिर सोकिंग फिर क्रीम फिर गनाश फिर वापस है दूसरी लेयर ऐसे करके आपको कर लेना है कंप्लीट और ऊपर वाली लेयर को भी बढ़िया से सोक करिए अब आती है इसकी फाइनल फिनिशिंग तो जब भी मैं गनाज के साथ काम करती हूँ ना तो मेरी क्रीम इतनी सपोर्टिव हो जाती इतना है इतना बढ़िया मतलब काम करता है ना एकदम सुंदर एकदम स्मूद मतलब क्या ही तो ये सुनिए सुनिए एक बड़ा सा अनाउंसमेंट हो गया भैया हमारी सेवन डे की हमारी प्रो क्रो स्टार्ट हो गई है एक फरवरी से सात फरवरी तक जिसमें आपको सारे बता केक बताए जाएंगे फॉरन केक बताया जाएगा क्रीम चीज केक बताया जाएगा ब्राउनी बताई जाएगी डोनट बताया जाएगा कुनाफा बकलावा बताया जाएगा और एक नहीं उसकी आठ आठ दस दस रेसिपी आप लोग को अलग से बताई जाएगी और

बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इसमें डोनट भी सीखने वाले हैं मतलब सेवन डे में फुल्ली बेकरी कोर्स आप सीखेंगे वो भी ऑफलाइन में सिर्फ सिक्स थाउजेंड सिर्फ छह हजार रुपए में और ये अभी ऑफर वाली क्लास हमारी आ गई है तो जिन्हें भी ऑफर वाली क्लास ज्वाइन करनी है फटाफट से दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए नाइन पर अपना सीट कन्फर्म कर लीजिए जो मुंबई वाले हैं स्पेशल उनके लिए ऑफर है भाई आके आप सारी चीजें हैंड्स ऑन कर सकते हो मुझसे मिल सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो घर से अपना बेकरी स्टार्ट कर सकते हो प्रो बन सकते हो एक क्सेसफुल बेकर बन सकते हो और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हैं उनकी फीस है थ्री थाउजेंड रुपीज जिसमें उनको लाइव क्लास अटेंड करनी है प्रैक्टिकल करनी है हमारे साथ सामान की लिस्ट उनको पहले दी जाएगी रेसिपी नोट्स दिया जाएगा लाइफ टाइम वीडियो दिया जाएगा और हाँ अरे ये सारी चीजें बताने में ये भूल गई भाई तो क्लास वाले फटाफट से नंबर पे कॉल करके बाकी के डिटेल ले लीजिए और अभी हमने टू वन का रेशियो वाला जो गनाश बनाया था ना देखिए कितनी शाइनी है ये सारी चीजें आप क्लास में सीखेंगे भाई और मतलब क्या ही बताओ और क्या क्या सीखने वाले बहुत कुछ सीखेंगे धमाका है धमाका तो जल्दी से देवन नंबर पे कॉल करिए और एक फरवरी से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है तो जल्दी से सीट कंफर्म कर लीजिए तो देखिए इतनी शाइनी सुपर शाइनी गनाश ये सारी चीजें आप क्लास में सीखोगे फुलीड्स और करना खुद से बना के गनास भी आप खुद बनाओगे सिर्फ अपना डार्क कंपाउंड मेल्ट किया उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है नो बटर नो ऑयल घी कुछ भी नहीं सादा ऐसे बनाई है जिस भी मोल्ड में आपको बनानी हो ना उसमें डाल के सेट कर लीजिए और ये ये सब भी सीखेंगे भाई ये सब भी सीखेंगे क्लास में फुल्ली एंड और ये ना हमारे जो कस्टमर है उनको चाहिए था कि हमें एक बड़ा सा चॉकलेट का बार चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट बहुत पसंद है और डेयरी मिल्क बहुत महंगा हो जाएगा तो कोई जुगाड़ करिए और हमें चॉकलेट तो इतना बड़ा ही दीजिए तो मैंने बोला ठीक है भाई आप टेंशन मत लीजिए मैं बना के आपको दूंगी तो मैंने फोर्टी सिक्स नंबर का पहले नोजल लिया और ये फोर्टी सिक्स नंबर का नोजल नूर वाला है आपको किसी भी बेकरी वाले शॉप में बेकरी वाले मतलब रॉक मटेरियल वाले शॉप में जाइए और वहां बोली हमें नूर का फोर्टी सिक्स नंबर का नोजल चाहिए वो आपको इजिली दे देंगे ठीक है इसकी बॉर्डर की डिजाइन बहुत बनती है इसके बहुत सारे वेरिएशन है बहुत सारे डिजाइन है ये सब कुछ आप क्लास में फुली ऑन सीखेंगे ठीक है और ऐसे तो मैं वीडियोस में बताती ही रहती हूँ कैसे बनाना है? फिर भी आप प्रैक्टिकल करेंगे ठीक है तो ये हो गया हमने देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया कितना सुंदर आ रहा है इसका डिजाइन ठीक है अब आती है इस बार को सेट कैसे करेंगे भाई तो दो से तीन मिनट आप फ्रिजर में रखेंगे तो सेट हो जाएगी लेकिन ध्यान देना फ्रिजर में रखेंगे तो स्वेटिंग आ जाएगी कैसे स्वेटिंग नहीं आएगी ये सारी चीजें भी आप क्लास में सीखेंगे ठीक है इसमें बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आएगी चाहे मैं कितने भी देर इसको बाहर रखू पैक करके सेल करने के लिए दू तो भी इसमें स्वेटिंग नहीं आने वाली है ठीक है अब इसको करना है स्टैंड तो इतना बड़ा बार स्टैंड करेंगे तो डर तो लगेगा ना गिरने का तो गिरने नहीं देंगे हम लोग पीछे से टूथपिक लगाएंगे जो हमारी केक को होल्ड करेगा ठीक है तो ये हमने पीछे दो टूथपिक लगाई है ताकि हमारा ये बड़ा सा बार गिरे नहीं और उनको बेटे को ना एकदम साफ साफ दिखना चाहिए बड़ा वाला बार फिर हमने हैप्पी बर्थडे का टैग लिया अक्रैलिक वाली अक्रैलिक वाली नहीं नॉर्मल अपने जो गोल्डन वाली आती है वो उसके ऊपर जो लगा स्टिकर वो निकाल दिया बीच में लगा दिया गोल्डन वाले ऐसे जो बॉल आते हैं ना वो लगा दिया और केक हो गया हमारा रेडी उनको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए था नॉर्मल सिंपल सोअ चाहिए लेकिन वो बड़ी वाली चॉकलेट दिखनी चाहिए थी और ये केक मैंने दिया है सेवन में और कैसा लगा आप जरूर बताइए हमारे बिल्डिंग के ही हैं उनको मैंने दिया है ठीक है तो ये हो गई और हाँ ध्यान से याद से एक फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है एक से सात फरवरी तो नंबर दिया हुआ है कॉल कीजिए व्हाट्सअप करिए सीट कंफर्म करिए ठीक है चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया जानते हैं ठीक है तो थैंक यू बाय बाय मिलते हैं एक फरवरी को बाय